चुनाव इनकी देखरेख में हो रहा था और अंतर्राष्ट्रीय जगत की नज़र थी कि हमारा एसोसिएशन इसमें क्या कर रहा है, खिलाड़ियों की नज़र इस पे थी, ओलंपिक मेडल जीतने वाले हमारे अगर पहलवान, ये नौबत आ गई कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, पद्मश्री वापस लौटाए जा रहे हैं, उसके बाद सरकार जागती है, तो ये कौन सी जीत है, ये कौन सी जीत है, ये कौन सा काम, ये इनको नज़र पहले रखनी थी। उन्हें मालूम है वो जो भ्रष्टाचारी लोग जिन्होंने गबन किया, जिन्होंने अत्याचार किया, उस व्यवस्था से उनको बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। क्लेम किया कि दबदबा था और दबदबा रहेगा। हर चीज में जाति को लाना, जिस संविधान की धारा में उन्होंने शपथ ली, उपराष्ट्रपति के पदभार को संभाला, उसमें कहीं नहीं लिखा कि अपनी जाति का उल्लेख करके वो लाभ पहुंचाएंगे सत्ताधारी पार्टी को। कुछ जो जिस तरीके से उन्होंने भी हैंडल किया उसमें कुछ कमियां आई हैं। देखो हमारी शैली में, जहां तक जाट समाज की उन्होंने बात की और गाँव की भी शैली पुरानी रही, व्यंग को समझना और करना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे बारे में इतनी इतनी कहावतें हैं हरियाणा की, पश्चिमी यूपी की, गांव-गांव की, कोई बुरा नहीं मानता। यहाँ कोई जातिगत अगर सूचक बात होती, उस व्यंग में कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया होता, तब समझ में आती कहाँ उनका वर्ग जोड़ा गया उस बात में, कहाँ उनकी जाति का उल्लेख हुआ, क्यों उनको बुरी लगी बात। नहीं देखो, मिमिक्री तो यो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में देख लो, वहाँ तो सदन के कार्रवाई में होती है। तो व्यंग एक चर्चा का एक हिस्सा है। अब किसी को बुरी लग सकती है, किसी को अच्छी लग सकती है।